रिपोर्ट प्रिंट .in और मैं हूं रंजीत झा। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत कुमार। सर आपका बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से हो चुकी है, बिगुल बज चुके हैं, चुनाव के डेट बता दिए गए हैं कि बिहार में खास करके सातों चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि अभी तक एनडीए हो या महागठबंधन, सीट का बंटवारा ठीक से नहीं हो सका है। चलिए एनडीए ने तो सीट का बंटवारा कर लिया, हम नंबर बता दिए कि इतने इतने नंबर पे हम लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन जितना बड़ा है पेच उसमें उतना ही ज्यादा है, अभी तक उसमें कुछ सुलझा नहीं है। सूत्रों के हवाले से कुछ कुछ खबरें तो आती है, और उसमें जो सूत्र के हवाले की जो बात है अगर उसमें हम यकीन करें तो उसमें भी कई सवाल उठते हैं, और बंटवारा नहीं हो सका है तो उसके पीछे भी कई सवाल उठते हैं। तो हम बारी बारी से सभी सवालों को समझेंगे हम अपने एनालिस्ट हेमंत कुमार से। सर पहला सवाल खास करके महागठबंधन से शुरू करते हैं। आज एक जानकारी आई कि सूत्रों के हवाले से कि फॉर्मूला तय हो गया है, 20-11-3-2-2-1-1 इस तरह का फॉर्मूला बना। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि सबसे पहले वही बात करेंगे जो एनडीए छोड़कर इधर आए थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या मांझी की बात कर लें, ये लोग थे कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमें मिलना चाहिए, या रालोसपा मोर देन 3 वाली बात थी, ये लोग कैसे तैयार हुए होंगे? ये अभी जो नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग मीडिया हाउस में, तो ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन रियलिटी के थोड़ा करीब मैं इसको मानता हूँ। इस वजह से कि जो महागठबंधन है उसके सामने उसमें सबसे बड़ा दल बिहार में RJD है, और सबसे बड़ी पूंजी उसी के पास में है, बाकी के दल जो है वो उसमें उसके साथ सहयोगी की भूमिका में है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि RJD के साथ प्लस होकर के ही बाकी दलों को अपना परफॉर्मेंस करना है। तो RJD के सामने चुनौती ये है कि वो बहुत अधिक अपने आप को मिनिमाइज करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो मिनिमाइज अपने आप को RJD करता है तो उसके लिए पॉलिटिकल संकट पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह जो 20-11-3-3-1-2-2-1-1 का जो फार्मूला है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है, लेकिन ये इसी तरह का ही रहेगा। कांग्रेस भी यहाँ केयर ऑफ RJD की है, RLSP भी यहाँ है अगर तो उसको भी केयर ऑफ RJD ही, उन लोगों के पास जो अपना कहते हैं कि 2%, 3%, 7% वाला वोट जो है वो कहीं ना कहीं से अगर वो पहले NDA में थे कुशवाहा या मांझी तो उनके साथ अगर 3-4% या 6-7% अगर वोट था तो कहीं ना कहीं NDA का असर था उसमें। तो उसी तरह इधर भी अगर देखेंगे, इधर आए हैं तो RJD का जो पूरा पॉलिटिकल जो बेस है उस बेस पर खड़े होकर ही इनको चुनाव लड़ना है। तो RJD अपने आप को बहुत मिनिमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। एक बात यह भी है कि बहुत अधिक ये लोग जो है RLSP और मांझी की जो पार्टी है, खास करके मांझी के बारे में मैं कहूं तो इन पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया सकता है। तो RJD अपनी बहुत ज्यादा सीटें इन पर कुर्बान करके ऐसा नहीं करना चाहता है कि अपने आप को वह कमजोर। तो इसमें ये फैक्टर कितना अहम है कि अभी मांझी की पार्टी हम की बात कर ले या RLSP की बात कर ले, दोनों में बड़ी टूट हुई है, तो जो वोट शेयर बनता है, जो बाकी जो नेता होते हैं उनका भी अपना एक वोट बैंक होता है, ऐसे लोग चाहे नागमणि की बात कर लें या उनके साथ 10-11 लोग गए, या मांझी से भी उनकी पार्टी से भी कुछ लोग छोड़ के गए, तो इस फैक्टर को भी महागठबंधन ध्यान में रखा होगा। मेरा मानना है कि नागमणि कोई बहुत फैन फॉलोइंग उनकी बहुत नहीं है, और नागमणि का पूरा ये जो पूरा ये है उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसका मतदाताओं पर बहुत कोई बड़ा असर नहीं है। वो सिंगल है, अपने लिए वो कोई सीट का जुगाड़ कर सकते हैं, इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर मैं जाति विशेष की बात करूं तो कुशवाहा बिरादरी के नेता के तौर पर मैं समझता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा उभर चुके हैं और उनको चुनौती देने की ताकत आज की तारीख में नहीं। भले ही अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नागमणि की प्रदीप मिश्रा की, वो जो आरोप लगा रहे हैं प्रदीप मिश्रा के बारे में आप नहीं जान लीजिए, प्रदीप मिश्रा को कितने लोग जानते हैं,
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग जाने की प्रदीप मिश्रा नाम कोई आदमी है तो उन्होंने उन्होंने वो जो कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए तो आखिरकार वो पार्टी में क्या किस पोजीशन में थे, क्या कर रहे थे? तो पार्टी में तो किसी पोजीशन में नजर नहीं आ रहे थे, अचानक वो इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। तो हम लोग हमसे इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती ये नहीं है, थोड़ा बहुत तो जो असर होता है असर जो इम्प्रेस जो एक तरह से इम्प्रेशन बनता है वो हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक चुनौती बनेंगे ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रहा। हाँ, नागमणि हो या उनके साथ जो उनके कतार में जो लोग दिख रहे हैं, जो फोटो फ्रेम में जो लोग दिख रहे थे, उनको मैं मानता हूँ कि बहुत असर डालने वाले लोग नहीं है। वो मीडिया में इम्प्रेशन बनाने की बात है, वो इस रूप में हम उसको देखते हैं। लेकिन एक बात और कि आज हमने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का एक बयान देखा मीडिया में कि वो कह रहे हैं कि पहले महागठबंधन सीटों का बंटवारा कर ले, उम्मीदवार घोषणा कर ले, उसके बाद हम करेंगे। यहाँ तो सीटों का बंटवारा हो चुका है 17 और 6, लेकिन इधर नहीं बंटवारा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि पहले महागठबंधन कर ले तब हम करेंगे। और कुछ दिनों पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व MP हैं वैशाली से RJD के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि पहले NDA अपना पहलवान घोषित करे, उसके बाद हम घोषित करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो सोशल इक्वेशन है उसको ध्यान में रखकर ये दोनों ही गठबंधन जो है NDA या महागठबंधन अपने उम्मीदवार तय करेंगे। ये माने कि दो चाहे NDA हो या महागठबंधन हो, वो एक दूसरे के इंतजार में है। हाँ। कि आपका कैंडिडेट क्या होगा, उसी के वजन के हिसाब से हम अपना कैंडिडेट देंगे। हाँ, बिल्कुल। ये सोशल रियलिटी जो है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है, उसको ध्यान में रखते हुए इंतजार किया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि लालू यादव आज की तारीख में वो जेल में है, इलाज करा रहे हैं रांची में, तो उनकी अनुपस्थिति भी है। तो मुझे जो जानकारी है, मुझे जो लग रहा है कि जो 15 तारीख को उनके बेल पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दिन का भी इंतजार हो रहा है। उनके उपस्थिति में सीटों का बंटवारा हो जाए, उम्मीदवार की घोषणा हो जाए, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। आज लालू प्रसाद कांग्रेस पे कुछ भड़के भी दिखाई दिए, उनकी खबर भी चली कि लालू प्रसाद भड़के हैं कि हवा में कोई दावा न करें, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से ही सीटों को लेकर बोलें, कुछ इस तरह का खबर चली। हाँ, इस तरह की कई बातें आई है। एक अभी CPIML के पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं धीरेन झा, तो उनका एक हमने फेसबुक पर देखा कि कांग्रेस और RJD ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो धीरेन झा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि धीरेन झा जो भी सीट शेयरिंग की या जो डायलॉग हो रहा है महागठबंधन के भीतर लेफ्ट के साथ, उसमें वो लगातार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये बात है। उसी तरह आज शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि कांग्रेस यह बताए कि वह BJP को हराने वाले लोगों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है या BJP के साथ वाले लोगों के साथ। तो ये जो उनका बयान है, इससे ये लग रहा है कि अंदर खाने कुछ बात चल रही है। तो ये मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मैंने पहले ही कहा कि RJD अपने आप को बहुत मिनिमाइज करने के पोजिशन में नहीं है। और ये जो नंबर अभी सूत्रों के हवाले से फ्लॉट हो रहा है मीडिया में, वो कहीं ना कहीं रियलिटी के करीब है, सच्चाई के हकीकत के करीब मैं मानता हूँ कि है, और इसी के आसपास में ये तय होना है। सर, इसमें एक सवाल और है कि अब ज्यादा समय है नहीं, अब 30 दिन का 29 दिन मान लें चुनाव को लेकर है, ऐसे में अगर जो आप बता रहे हैं कि ये इस बात का इंतजार है कोई सामने वाला पहले खुले, तो किसी ना किसी को तो खुलना ही होगा, खुलना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है, पहले किसका पत्ता सामने आने वाला है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि महागठबंधन में 15 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। 15 तारीख को लालू प्रसाद यादव के जमानत पर फैसला होना है। अगर उस दिन जो कुछ होता है उसके बाद फिर तय हो जाएगा, फिर इंतजार नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो है नहीं। जैसे लोजपा की बात कर ले तो पशुपति पारस का कहना था कि 18 मार्च तक लोजपा की तरफ से औपचारिक घोषणा हो जाएगी, NDA का इंतजार है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि 15 मार्च यानी लालू प्रसाद के बेल का के लिए सुनवाई होनी है, उस पर जो भी फैसला आ जाए, तो क्या 15-16 तक महागठबंधन, 18 तक NDA? हाँ, इसके आसपास में हो सकता है। आपको याद होगा कि पहले NDA की ओर से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की सभा जो पटना में होने वाली है, उस सभा के जस्ट बाद बड़ा
बड़ी घोषणा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बात है, इंतजार किया जा रहा है जो पहलवान कौन पहले उतारता है मैदान में। तो लेकिन सर इससे एक चीज और दिमाग में सवाल उठता है कि अगर ऐसा होगा एन वक्त पे, जैसे अगर एनडीए तय कर लेती है कि चले मेरा ये उम्मीदवार, हम आपको यहाँ से लड़ा रहे, हम आपको वहां से लड़ा रहे, अंदरूनी नाराजगी जो उस वक्त उठेगी उसका क्या उपाय होगा? अब मुझे लगता है कि अंदरूनी नाराजगी हो सकती है और राजनीति में ऐसा होता है, इस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसका बहुत कोई असर पड़े मुझे नहीं लगता है। आरएलएसपी महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो आरएलएसपी क्या आज की तारीख में छोड़कर के नहीं जाने की पोजीशन में है? नहीं, यह असंभव सी बात लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि राजनीति में बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऐसा नहीं होने वाला है, माझी के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो आखिरकार ये जाएंगे कहां? कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है? बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस छोड़ करके तो अलग यूपी की तरह यहाँ होने वाला है नहीं। तो समझौता होगा, लोग बर्दाश्त करेंगे, नाराजगी होगी, लेकिन आपको लड़ना है। हाँ, एनडीए के साथ जो पोजीशन है, एनडीए के साथ आज की तारीख में एंटी इनकमबेंसी का जो मामला है वो है। इस बार कोई मोदी लहर नहीं है इस चुनाव में, और इसी का असर है। वरना अगर मैं कहूं कि अगर कोई लहर होता एनडीए के पक्ष में तो अनाउंस हो गया होता। बिल्कुल सीटों का बंटवारा हो गया था, जैसे हो गया हुआ है, तो कैंडिडेटर भी मतलब एक स्ट्रेटेजी भी इसे माना जाए कि आखिरी समय में हम कैंडिडेट बता रहे ताकि ये जो उछल कूद वाली बात होती है, इधर से उधर जाने वाली बात, वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तो कोई गुंजाइश है नहीं। वो बिल्कुल शतरंज की बिसात पर जो मोहरे चले जाते हैं उसका इंतजार है कि कौन अपने पहले अपना पत्ता खोलता है। तो अभी आप समझ रहे थे कि एनडीए हो या महागठबंधन, वो पत्ता एक दूसरे के इंतजार में है कि पत्ता कब खुलेगा, कोई एक खोले तो हम खोल दें। हालांकि समय कम है, किसी ना किसी एक को आगे आना ही होगा। जैसा कि एक अनुमान है, सभी बता रहे थे 15 से 18 मार्च के बीच में सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी, सब क्लियर होगा, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, किसके खाते में किस जगह की सीट जा रही है। सारे अपडेट्स हम आपको देते भी रहेंगे, तब तक आप बने रहिए beforeprint.in के साथ। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।